आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन करने कतार में खड़े रहकर भगवान शिव को जलाभिषेक कर मन्नत मांग रहे हैं। दुर्ग जिले के देवबलोदा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई थी। भक्त भगवान शिव से पापों के प्रायश्चित और सभी मनोकामनाओं के पूरी होने के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। वही माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको देवबलोदा गांव के प्राचीन शिव मंदिर की महिमा बताने जा रहे हैं। दुर्ग जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर देवबलोदा गांव है, जहां भगवान शिव का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो माना जाता है कि स्वयं ही भूगर्भ से उत्पन्न हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर में खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण 6 महीने में एक मूर्तिकार ने किया था, इसलिए इस मंदिर को 6 मासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कलचुरी राजवंश में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका शिखर ही नहीं है, खजुराहो की तर्ज पर शिव के कामांतर रूप और कई देवी देवताओं की नक्काशीदार प्रतिमाएं यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। देवबलोदा के इस प्राचीन मंदिर की बनावट बहुत ही दर्शनीय है। नगर शैली में बने इस मंदिर में विष्णु के दशावतार गणेश, सरस्वती, शिव पार्वती, महिषासुर मर्दिनी सहित 5 पांडवों, भैरव, कर्ण, अर्जुन युद्ध आदि कई विशेष प्रसंगों को मूर्तियों में दर्शाया गया है। ऐसे में पर्यटन और पुरातत्व की दृष्टि से इस मंदिर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। व्यवस्था तो हमारे नगर निगम की तरह हर साल होता है यहाँ पे, और जो व्यवस्था होता है वो लगभग बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत फिर तो होता है क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है। और दूसरी बात यह है कि इस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ अतिथि रूप में आ रहे हैं। विजय बघेल सांसद है, गोसेवाड़े जी विधायक हमारे क्षेत्र के, जिन्होंने यहाँ पे अपना अतिथि रूप में आ रहे हैं। और सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ और भोले बाबा से कामना करता हूँ कि सबको मनोकामना पूरा करे। और आप बाकी सबको जानते ही, मंदिर के जो 6 मासी रात में बना हुआ था 23वीं शताब्दी का मंदिर है। जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनका हर मनोकामना पूरा होता है। अब करीब करीब 10 से 15 हज़ार की भीड़ है आज यहाँ पर। यहाँ पर अभी प्राचीन शिव मंदिर है देवबलोदा का, और देवबलोदा मंदिर में महाशिवरात्रि पर ही दर्शनार्थियों का भीड़ रहता है। इस समय बहुत भीड़ है इस यहाँ पर, लगभग 50 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कुल लगे हुए हैं, और अभी तक शांति व्यवस्था अच्छी चल रही है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए यहां पहुंचने लगे। सावन में महीने भर भगवान शिव की विशेष आराधना भी यहां की जाती है। इस मंदिर में कई श्रद्धालु रुद्राभिषेक भी कराते हैं। कुछ लोग सावन में रामायण पाठ भी कराते हैं। सावन में पर्यटकों की संख्याएं लगातार बढ़ती जाती है। मंदिर से लगे कुंड का पानी गर्मी में भी नहीं सूखता। इस मंदिर की एक महत्ता ये भी है। बहरहाल विश्व विख्यात इस मंदिर से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ACN न्यूज़ के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट।